बहुत वक्त के बाद शिवांगी जोशी से मुलाकात हो रही है गोयंका हाउस में। कई बार मुलाकात हुई है लेकिन हमेशा बाहर, लेकिन गोयंका हाउस में री एंट्री के बाद फर्स्ट आपके साथ बात कर रहा हूँ मैं। कैसी फीलिंग आ रही है घर में आने के बाद? अच्छी फीलिंग आ रही है। अपने घर में आके कैसा लगता है? अच्छा लग रहा है। आपका घर कैसे हो गया? सीरा तो आप यार। तो शिवांगी का तो सेट है ना, तो शिवांगी को बहुत अच्छा लग रहा है अपने सेट पे वापस आके, और क्योंकि अपना हम अपना मेकअप रूम यूज करके। अपना मेकअप रूम यूज़ करके, क्योंकि हम लोग कहीं और शूट कर रहे थे और फाइनली अब हम वापस इधर शूट कर रहे हैं, सो अच्छा लग रहा होम कमिंग। है। होम कमिंग या एक्चुअली इट्स नाइस यार, मेरा तो घर भी बहुत पास है तो इट सेव्स अ लॉट थैंक ऑफ गॉड टाइम। ट्रैवलिंग बच गई। गोरेगांव से चांदीवली की, गोरेगांव से मढ़ की ट्रैवलिंग बच गई, अब आप पास में हो। हाँ आई एम हैप्पी। अच्छा एक चीज़ और, जिन सिचुएशंस में, जिन सर्कमस्टेंसेस में एंट्री हुई है सीरत की घर में, वो बहुत ही ड्रामेटिक हैं। एक तरीके से आप अपसेट भी हैं, उस डिसीजन से खुश भी नहीं है, लेकिन समझौता कर लिया है शायद हालातों से सीरत ने कि अब ऐसे ही रहना है। हाँ, एक तो कार्तिक जी जो हैं वो सीरत की और उनकी माउड़ी की इतनी हेल्प करते हैं, और कहीं ना कहीं वो खुद भी उस बच्चे से उसके साथ ही कनेक्शन फील करती है, तो शी वांट्स टू हेल्प हिम, और जिसकी वजह से वो कार्तिक के बोलने पे गोइंग हाउस आ जाती है। पर यहाँ पे चीज़ें काफ़ी अलग हैं। एक तो उसने ऐसा माहौल कभी नहीं देखा, और बाकी जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो उसे इतना पसंद नहीं करते, क्योंकि वो एक अलग माहौल से आई हुई है, उन्हें लगता है कि यू नो ये हमारा हमारे स्टैंडर्ड्स को मैच नहीं करती है। सो बट कार्तिक इज़ वेरी सपोर्टिव, तो वो सीरत का सपोर्ट कर रहे हैं बार बार। तो है, चीज़ें काफ़ी डिफिकल्ट हैं। वो लोग बस यही चाहते हैं कि कार्तिक और पूरी फैमिली यही चाहती है, जिसके लिए वो सीरत को यहाँ पे लेके आए हैं, कि कायरव जल्दी से मान ले कि सीरत सीरत है और उसकी मम्मा नहीं है। तो वही कोशिश कर रहे हैं सब बस। लेकिन ऐसा क्यों लग रहा है कि कायरव को ये यकीन दिलाना और ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा आपके इस घर में आने से कि आप सीरत हैं नायरा नहीं, क्योंकि अब वो और ज़्यादा अटैच होगा आपसे? हाँ, अटैच तो है ही वो ऑब्वियसली, क्योंकि वो तो अब साथ सीरत में को रहने की अपनी, आदत पड़ जाएगी। हाँ मतलब सीरत को वो अपनी मम्मा ही समझता है, तो उसको तो फिलहाल ये लग रहा है कि मैंने मम्मा को इतना मिस किया और फाइनली मम्मा आ गई हैं वापस, तो बहुत खुश है। वो सारी वो सब चीज़ें करना चाहता है जो सीरत करती है, जैसे सीरत बॉक्सिंग करती है, सो उसको भी बॉक्सिंग करनी है। एंड सीरत लाइक्स टू बी विद हिम, यू नो, विद कायरव, और कहीं ना कहीं वो बाकी फैमिली के भी इमोशन समझ रही है कि चलो ठीक है, मुझे देख के शायद इन्हें गुस्सा आता होगा क्योंकि मेरी शक्ल नायरा से मिलती है, बट शी जस्ट वॉन्ट्स देम टू अंडरस्टैंड कि वो कुछ ऐसा नहीं करना चाहती, और जैसा कि वो लोग सोच रहे हैं, और वो कोई यहाँ पे कोई धोखा देने नहीं आया या कुछ गलत करने नहीं आया है। शी इज जस्ट हियर टू हेल्प देम, हेल्प कायरव। सो वही सिचुएशन है फिलहाल। दो सवाल इस सवाल से पैदा होते हैं। पहला ये कि घर के ऐसे कौन से लोग हैं जो आपको पसंद नहीं करते, क्योंकि नायरा की भी जर्नी इस घर में बहुत उतार चढ़ाव भरी रही है। ऐसा नहीं हुआ या है एक्चुअली कि इन द हाँ, बिगिनिंग इन द बिगनिंग है, नॉट नॉट एवरीवन नोबडी, लाइक या नायरा। सो अभी सिचुएशन क्या है, नायरा के साथ कौन है, सॉरी सीरत के साथ कौन कौन है, और कौन लोग ऐसे हैं घर के जो सीरत को बिल्कुल पसंद नहीं करते? मनीष जी जो हैं वो सीरत को बिल्कुल पसंद नहीं करते, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये लड़की यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ करने आई है, या पैसे वो करने आई है, क्योंकि नायरा की शक्ल का फ़ायदा उठा के हमें लूटने आई है टाइप्स, उनको ये लगता है। इवन कहीं ना कहीं दादी को भी ये लगता है, पर जो गायू हैं उनको तो यही लगता है कि वो नायरा ही है, सो शी रियली लाइक्स हर, एंड मतलब सीरत ऑल्सो लाइक्स गायू, क्योंकि वो देखती है कि यू नो शी इज़ वेरी स्वीट टू मी, शी इज़ सो नाइस। देन ऑब्वियसली कार्तिक, वो लोग समझते हैं कि कार्तिक कितना जेन्युइन इंसान है, एंड दे लाइक कार्तिक। कायरव है जो जिसे बेटा है, तो ऑब्वियसली मतलब बेटा मान मम्मा मानता है, तो वो बॉन्डिंग है। फिर और दोनों स्वर्णा, दोनों दोनों सासुओं की क्या सिचुएशन है, सुवर्णा और सुरेखा? सुरेखा उनके साथ अभी इंटरेक्शन हुआ नहीं है सीरत का, लेकिन स्वर्णा के साथ हुआ है, और स्वर्णा के साथ यू नो शी लाइक्स स्वर्णा, और स्वर्णा को भी मतलब वो सीरत की तरफ काफ़ी मतलब सॉफ्ट हैं, और तो या स्वर्णा, सो एक्चुअली कौन हो गया, गायू, कार्तिक, स्वर्णा, सोना, कार्तिक, कायरा। कायरव एंड बच्चे। आई थिंक वंश भी खुशी है सीरत के आने से, तो या अच्छा एक चीज़ और, मुझे ऐसा लगता है कि घर वालों के इस रिजेक्शन की वजह एक ये भी है कि शायद आप अपनी मावड़ी को भी साथ में लेकर आ गई हैं, हाँ, ये भी बिकॉज है दे क्या? वर नॉट एक्सपेक्टिंग कि सीरत अपनी मावड़ी को भी लेके घर आ जाएगी, पर जो उनकी सिचुएशन है उनके पास घर नहीं है रहने के लिए। सीरत के स्टेप फादर ने वो धोखे से वो घर मतलब उनका हो गया है अभी, सो उनके पास जगह नहीं थी, मावड़ी की तबीयत ठीक नहीं थी, और कायरव
की भी तबीयत ठीक करने के लिए उसको फौरन आना था, तुरंत आना था, तो जिसकी वजह से उससे मावड़ी को अपने साथ लेके आना पड़ा, बट वो ये बात अभी किसी को बताती नहीं है। थैंक यू सो मच शिवांगी, थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस। थैंक यू। तो ये थी शिवांगी जोशी, यानी आप सबकी नायरा ऑब्लिक सीरत, जो अब गोयंका परिवार में आ गई हैं, होमकमिंग हो गई है, अपने घर वापस लौट आई हैं। कैमरामैन संतोष देवते के साथ पारस कुठारी, इंडिया टीवी, मुंबई।